नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं ज्योति, सहायक आचार्य, हिंदी विभागाध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम अभी तक रीतिकाल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने रीति शब्द का अर्थ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के प्रवर्तक और कवियों का वर्गीकरण, यह सब हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के हमारे अध्यापन का बिंदु रहेगा रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की सर्व प्रमुख विशेषता रही रीति निरूपण की। रीतिकालीन कवियों के रीति निरूपण की शैलियों का अध्ययन करने पर तीन प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम प्रवृत्ति तो मात्र रीतिकर्म की रही, इनमें वे ग्रंथ आते हैं जिनमें सामान्य रूप से काव्यांग विशेष का परिचय कराना ही कवि का उद्देश्य है। द्वितीय लक्षण में रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व रहा। इसके अंतर्गत लक्षण और उदाहरण दोनों उनके रचयिताओं द्वारा दिए गए। तीसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया। कवियों ने प्राय सभी छंदों की रचना काव्य शास्त्र के नियमों में से बद्ध होकर की, लेकिन उन्होंने लक्षणों का त्याग नहीं किया। द्वितीय प्रवृत्ति श्रृंगारिकता। रीतिकाल की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता श्रृंगारिकता की रही, और इसके अंतर्गत श्रृंगारस की प्रधानता रही। इस काल में इस काल के कवियों में नक्षिक और राधा कृष्ण की प्रेरणा लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ। राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव, विलास चेष्टाएं आदि में श्रृंगार का सुंदर और सफल चित्रण हुआ है, किंतु वियोग वर्णन में कवि कर्म खिलवाड़ बनकर रह गया। तृतीय विशेषता रही राज प्रशस्ति। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसीलिए इन आश्रयदाताओं ने अर्थात इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का गुणगान करना अपना श्रेय समझा, या कह सकते हैं कि इनकी मजबूरी रही है। हम कुछ कवि कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत रीतिकाल के अंतर्गत अपवाद रहे, और इसके अंतर्गत सर्वप्रसिद्ध है भूषण जैसे कवि हैं जो कि अपवाद रहे हैं। अगली विशेषता है नीति और भक्ति। रीतिकाल में व्यापक मात्रा से भक्ति और नीति से संबंधित भी पद मिल जाते हैं, जो इस युग की एक नई देन है। राधा कृष्ण लीलाओं में श्रृंगार के साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। दरबारी वातावरण के कारण इनकी कविताओं में नीति संबंधी उक्तियां भी मिल जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल क्यों किया गया, उसके अंदर मैंने बताया था कि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति थी, लेकिन इसके साथ अन्य प्रवृत्तियां भी इस काल में थी, जैसे भक्ति, नीति, श्रृंगारिकता आदि। पांचवी विशेषता है अलंकारिकता। रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता है। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन न रहकर साध्य बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ। अलंकारों के संबंध में केशवदास का भी यह कथन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता विनीता मित। नायिका भी इस काल में नायिका भेद की पर आधारित ग्रंथ भी लिखे गए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रीति ग्रंथों की रचना इस काल में हुई है। तो रीति ग्रंथों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के प्रकार अर्थात नायिका भेद, उनके अंगों प्रत्यंगों, नक्षिक वर्णन आदि की प्रवृत्ति इस काल में रही। अगली विशेषता है सातवीं ब्रजभाषा की प्रधानता। ब्रजभाषा जो कि मध्यकाल की कह सकते हैं सम्राज्ञी रही है, मध्यकाल की प्रमुख भाषा रही है, तो इस कारण यह इस काल की भी भाषा रही है। कह सकते हैं कि रीतिकाल ब्रजभाषा का सुवर्ण युग रहा है। भाषा में वर्ण मैत्री, अनुप्रास, ध्वनियात्मकता, शब्द गीत आदि का पूरा निर्वाह किया गया है।
भाषा की मधुरता के कारण मुसलमान कवियों का भी इस ओर ध्यान किया है। प्रकृति चित्रण, रीति काल में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ, स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम रूप में हुआ। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि अधिकतर कवि थे, या कह सकते हैं कि जितने भी कवि थे वे दरबारी कवि थे, और जिनका आकर्षण का केंद्र मात्र नारी या राज प्रशस्ति कह सकते हैं या श्रृंगार वर्णन या रीति निरूपण की ओर ही रहा। इनका ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर फिर कैसे जा सकता था, और अगर इन्होंने प्रकृति चित्रण किया भी है तो वह कृत्रिमता से युक्त है, उसमें वास्तविकता कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती। जिसका प्रमुख कारण यही था कि अधिकांश कवि राजदरबारों में ही रहते थे, तो उन्होंने प्रकृति का सानिध्य कभी पाया ही नहीं। काव्य रूप, रीतिकाल में मुक्त काव्य को प्रधानता मिली, राजाओं की काम क्रीड़ा और काम वासना को तेजित करने एवं उनकी मानसिक थकान को दूर करने के लिए जिस कविता का आश्रय लिया गया वह मुक्तक ही रही, अतः इस काल में कवित और सवैयों की प्रधानता रही। दसवीं विशेषता के रूप में कह सकते हैं नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन कवियों में नारी का नक्षिक वर्णन व्यापक पैमाने पर हुआ, नारी के बाह्य स्थूल और मांसल चित्रण में उनकी वृत्ति अधिक रही। वह समय ही ऐसा था कि नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता था, कामुक दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने नारी के सिर्फ भोग्य रूप की ही अभिव्यंजना की अपने काव्य में, नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखा इस काल के कवियों ने। अगली विशेषता है चमत्कार प्रदर्शन और बहुज्ञता। इस युग के कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के साथ बहुज्ञता का प्रदर्शन भी अपने ग्रंथों में किया। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के साथ शब्दों की पच्चीकारी रमणीयता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। वहीं बहुज्ञता को प्रदर्शित करने साहित्येतर विषयों, ज्योतिष, गणित, काव्य जैसे विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया। तो दो विशेषताएं प्रिय विद्यार्थी मैंने इसके अंदर और नहीं लिखी, अलंकार और छंद। छंद का मैंने काव्य रूप के अंतर्गत ही बता दिया कि इसके अंदर कवित्व सवैया छंद की प्रधानता रही, और अलंकार तो सभी अलंकारों का प्रयोग इस काल में हुआ ही है। अगली विशेषता है समृद्धि एवं विलासिता का काल। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। साधना के काल भक्ति युग से यह इसी बात से भिन्नता रखता है कि इसमें कोरी विलासिता ही उपास्य बन गई, अर्थात भक्ति से संबंधित पद तो लिखे गए लेकिन उसमें भक्ति भाव की अपेक्षा कह सकते हैं श्रृंगारिक वर्णन अधिक था। वैराग्यपूर्ण साधना का समादर इस काल में न रहा। नवाब, जागीरदार, मनसबदार, सामंत सभी का उद्देश्य विलासिता और समृद्धि का जीवन था। इस समृद्धि के जीवन के लिए साधन किसी भी प्रकार के क्यों न हो, समृद्धि का अर्जन ही समर्थ्य की सार्थकता थी। ये उच्च वर्ग के लोग कला और कविता के संरक्षक थे, कुछ तो स्वयं कवि और कलाकार भी थे। इस प्रकार इस काव्य में एक जीवन के सुख भोग पर बल दिया गया। यह जीवन की क्षण भंगुरता को बुलाकर नहीं, वर्ण इसीलिए कि इस क्षण भंगुर जीवन में जितने भी दिन हैं सुख भोग से बीत सके उतना ही अच्छा है। अर्थात इन्होंने जीवन का यही माना कि अगर यह संसार क्षण भंगुर है तो उसको जितना हो सके भोग लिया जाए। अंतिम विशेषता है श्रृंगारिक साहित्य। इस काल में जितना भी साहित्य लिखा गया वह श्रृंगार प्रधान था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें यथार्थवाद कम ही था। तो इस प्रकार से इस काल की कलात्मक उपलब्धियों में एक रस्ता है, विविधता नहीं है। तो यह हमारी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ आज पूर्ण हुई प्रिय विद्यार्थियों।